नाज़रीन, आज हम जिस हस्ती का ज़िक्र खैर करेंगे, आपका नाम हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह। आपकी विलादत तकरीबन 630 हिजरी मानी जाती है। आपकी विलादत तुर्किस्तान में हुई। आपका पूरा नाम हज़रत शमसुल अर्ज़ ख्वाजा सैयद शमशुद्दीन तुर्क अलवी पानीपती कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। आपका सजराए नसब इमामुल औलिया हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम से मिलता है। आप अलवी शादाद हैं, इसलिए आपके नाम से कहीं कहीं पर हमें अलवी लगा मिलता है। आम तौर पर आपके नाम के साथ शेख भी लगा रहता है। आपको तुर्की क्यों कहा जाता है? आपकी पैदाइश तुर्किस्तान में हुई थी, इसलिए आपके नाम के साथ तुर्क लगा मिलता है। यूं ही आम व ख़ास में ये बहुत मशहूर है, तुर्क या तर्क। आम तौर पर सूफिया का एक तबका इसे तर्क भी पढ़ता है, जिसका मायना होते हैं त्यागना, छोड़ना। अगर सैयदना ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के नमूनाए ज़िंदगी पर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की राह में सर्फ कर दी और अपने मुर्शिद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के तर्ज पर ज़िंदगी गुजारी है। आपने नफ्स को कुचल कर रख दिया और दुनिया से दूरी बढ़ाई। अक्सर आप भी आलम इस्तग्राफ में रहते या जज्ब की कैफियत में रहते, उसके बाद जो वक्त मिलता जिक्र इलाही में मशगूल हो जाते। इसलिए आपके नाम के साथ लफ्ज़ तर्क बिल्कुल सटीक बैठता है। नाज़रीन, आपको कलंदर भी कहा जाता है, और तसव्वुफ़ में कलंदर उसे कहते हैं जिससे अल्लाह के सिवा और कुछ भी न दिखाई दे, जो याद इलाही में इस कदर मशगूल हो जाए कि उसे खुदा की खुद की फ़िक्र भी ना हो, यानी अल्लाह, बस अल्लाह वाली कैफियत उसमें रहे, उसकी रूहानियत का रिश्ता डायरेक्ट मौलाए कायनात से हो। उस हस्ती को कलंदर कहा जाता है। आपके मुर्शिद सैयदना अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह भी कलंदर के मरते पर फाइज थे। शमसुल अर्ज़, इसके मायने होते हैं ज़मीन का सूरज, और ये लकब आपको आपके पीर मुर्शिद सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको दिया, इसलिए आपके नाम के साथ शमसुल अर्ज़ भी लिखा जाता है। तालीम आपने किस तरह हासिल की और आप पाक पठन में किस तरह आपकी आमद हुई? आपने बचपन ही में तालीम और तसव्वुफ़ की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी थी। आपने तुर्क में ही रहकर तफसीर हदीस फ़िक्र की तालीम मुकम्मल कर ली, और इसके बाद पीर मुर्शिद की तलाश में तुर्की से निकल पड़े। उन दिनों पाकिस्तान में पाक पठन में सुल्तानुल आरिफीन हजरत ख्वाजा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की विलायत का और बुज़ुर्ग का डंगा बज रहा था। जब आप उनकी बारगाह में पहुँचे तो आपको देखते ही हुजूर ख्वाजा फरीदगंज शकर अलैह ने फरमाया कि बेटे, तुम्हारा फैज़ मेरे पास नहीं बल्कि किसी और के पास है। उसके बावजूद आप उन्हीं की बारगाह में रहने लगे और उनकी खिदमत दिलो जान से करने लगे। आपकी आमद नाज़रीन कलियर शरीफ कैसी हुई और साबिर पाक की आपने किस तरह खिदमत की, बगौर शमात करें। उन दिनों कलियर शरीफ में सैयदना साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह 12 बरस से बगैर कुछ खाए पिए आलम इस्तग़राक में थे। इधर आप अपने दादा पीर फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में बैठे हुए थे। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सारे मुरीद को इकट्ठा करके कहा, कोई ऐसा मुरीद भी है जो मेरे साबिर को अफ्तारी करा सके? क्योंकि मेरे साबिर ने 12 साल से कुछ भी नहीं खाया नहीं पिया है और आलम इस्तग़राक में की कैफियत में है। ये सुनकर कोई मुरीद भी तैयार ना हुआ। अचानक उसी मजमे में से एक नौजवान खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं जाऊंगा कलियर शरीफ और सैयदना साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को अफ्तारी कराऊंगा। तारीख गवाह है नाज़रीन कि वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि आप रहमतुल्लाह अलैह हैं। और आपको देखकर बाबा फरीद गंज शकर अलैह ने कहा, वाकई तुम मेरे साबिर के फेस से मालामाल हो गए। उसके बाद आपने कलियर जाने की तैयारी की तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने आपको नसीहत और दुआ देते हुए कहा, सुनो, मेरे साबिर के पास जब भी जाना तो पीछे से जाना, उसकी नज़रों को ताब आलम
जलाल में तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप कलियर शरीफ पहुंच गए, जहां आपकी मुलाकात हजरत जमालुद्दीन अब्दाल अलैहि रहमा से हुई। कुछ दिन उनके साथ रहे, उसके बाद हजरत अलीमुल्ला अब्दुल अलैहि रहमा से मिले, जो कि मखदूम सैयदना शाबिर पाक अलैहि रहमा के खादिम भी रह चुके थे। वह आपको उनके पास ले गए, उस वक्त भी आलम इस्तिगराक में थे। आपने दूरी से कुरान करीम की तिलावत करना शुरू कर दिया। आपकी आवाज़ सुनकर मखदूम सैयदना शाबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह पर अजीब कैफियत हुई और होश में आए तो कहा कौन है जो कुरान की तिलावत पीछे खड़ा होकर कर रहा है, मेरे सामने आए। वहीं एक रिवायत इस तरह भी मिलती है, नाज़रीन, आपने 21 दिन तक लगातार कुरान पाक की तिलावत की और 22वें दिन जब आप थक गए तो मखदूम ने आवाज़ दी, क्यों रुक गए, पढ़ते जाओ। उसके बाद आपने तिलावत शुरू की। आपने पीछे से उनके पास गए और कहा कि एक शर्त पर कुरान सुनाऊंगा, अगर आप मुझे अपने साथ ठहरने दें तो, वरना मैं पाकपटन लौट जाऊंगा। पाकपटन नाम सुनते ही मखदूम की आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा, क्या तुम्हें मेरे मुर्शिद ने भेजा है, बताओ कैसे हैं मेरे मुर्शिद, मेरे मुर्शिद ने क्या कहा है। आपने जवाब दिया, वो ठीक है, और उन्हें कहा है कि आप भी आज अफ्तार कर लें। ये सुनकर उन्होंने कहा, बैठो शमसुद्दीन। आपने जवाब दिया, मखदूम खड़े रहे और खादिम बैठ जाए तो ये उसूल तसव्वुफ के खिलाफ है, उसूल ज़माना भी के खिलाफ है। ये सुनकर मखदूम शाबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने 12 साल के बाद जाकर ज़मीन पर बैठे और फरमाया कि अल्लाह का सूरज आसमान पर है और मेरा सूरज इस ज़मीन पर है, यानी आपको अपना सूरज कहा। अल्लाहु अकबर, क्या शान है मेरे शमसुद्दीन तुर्क पानीपति रहमतुल्लाह अलैह की, जिस पर अहले इश्क कुर्बान। उसके बाद से धीरे धीरे शाबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का जलाल जमाल में बदलने लगा और आप रहमतुल्लाह अलैह के बस में था, वरना उस दौर में मखदूम सैयदना शाबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के जलाल के सामने बड़े से बड़ा अब्दाल कुतुब सूफी जान से परहेज करता था। आप धीरे धीरे इनमें बातें सीखने लगे और फिर उन्होंने आपको अपना मुरीद बनाया। उसके बाद आपसे कहा, जाओ अब पाक पटन चले जाओ और मेरे मुर्शिद की खिदमत में रहो, जब वो बज़ाहिर ज़िंदगी का अलविदा कह दें फिर मेरे पास चले आना। उसके बाद आप पाकपटन बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह की खिदमत में मशगूल व मशरूफ़ रहे। फिर उसके बाद बज़ाहिर इंतकाल के बाद आप कलियर शरीफ आए तो कुछ अरसे के बाद 12 मुहर्रमुल हराम सने 661 हिजरी में आपका सिलसिला चिश्तिया की खिलाफत अता हुई। आप मखदूम शाबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक लौते मुरीद व खलीफा हैं। आपने फरमाया, शमसुद्दीन तुम मेरे बेटे हो और अल्लाह से दुआ है कि मेरा सिलसिला तुमसे कायम हो और तुम कयामत तक कायम रहे। इबादत व मुजाहिदा। खिलाफत व इजाज़त अता होने के बाद आपने 6 साल मुजाहिदा किया, जिसे तसव्वुफ में हफ्स कबीर कहा जाता है, जो कि कब्र के अंदर बैठकर किया जाता है। अपने कब्र में बैठकर 6 साल मुजाहिदा किया। जब भी भूख की शिद्दत होती तो हजरत अलीमुल्लाह अब्दाल अलैहि रहमा एक गिलास पानी और थोड़ी रोटी मुहैया कर देते और इसके बाद जिस कब्र में बैठकर अपने मुजाहिदा किया था उस कब्र को आपके मुर्शिद मखदूम शाबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ही हाथों से तैयार किया था। उसके बाद आपने मुजाहिदा पूरा किया। नाज़रीन, इंशाअल्लाह इसके बाद इसका अगला पार्ट आपके मुर्शिद के कहने पर आप किस तरह फ़ौज में भर्ती हुए, इंशाअल्लाह तमाम वाक़ियात इसके अगले पार्ट में आपके सामने लेकर पेश होने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें और ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।